नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीएनएस गोट फार्म से। दोस्तों, बकरी का बच्चा कुपोषित क्यों होता है, यानी कैसे होता है, ये क्या गलतियां करते हैं हम कि जिससे बकरी का बच्चा कुपोषित हो जाता है। अगर चले बकरी का बच्चा कुपोषित हो गया तो उसे फिर सही कैसे करें, यानी उसे रिष्ट पुष्ट कैसे करें, कुपोषित से बाहर कैसे निकालें। और देखिए, अभी दिवाली का मौसम है, थोड़ा सा साउंड आप लोग संभाल लेना, क्योंकि बाहर में बहुत सारे माइकें लगी हुई हैं, पूजा पाठ चल रहा है, बच्चे बाहर में पटाखे दिवालियां मना रहे हैं। आज से ही एक दिन पहले से देखिए आवाज़ आ रहा होगा शायद आपको थोड़ा थोड़ा, तो आवाज़ संभाल लीजिएगा। और ये देखिए, बकरी का बच्चा है, हमारे घर का ही बच्चा है, ये हमारा नहीं है, हमारे फार्म का, हमारे घर का ही बच्चा पैदा हुआ है। और देखिए, आज इस बच्चे को लगभग 15 दिन हो गया है। आप देखें, 15 दिन में इसका वजन 2.5 से 3 किलो भी नहीं है, बहुत ही कमजोर बकरी का बच्चा है, पता नहीं कैसे ये चल रहा है। और इसके देखिए बाल भी खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे अभी, और ये कुपोषण का शिकार हो रहा है। जब ये पैदा हुआ था तो मैं देखा था यह कुपोषित बच्चा नहीं था, कुछ बच्चे माँ के पेट से ही कुपोषित पैदा होते हैं, जैसे कि बकरी गाभिन है, जैसे कि हमारी ये बकरी देखिए गाभिन है, और ये बकरी 3 महीने के ऊपर की गाभिन है, तो इसका हमने डिवार्मिंग कर दिया। लोग डिवार्मिंग नहीं करते हैं गाभिन बकरी का, तो गाभिन बकरी का डिवार्मिंग कब करना है, कैसे करना है, किस दवा से करना है, हमारे चैनल पर वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। एक रीजन ये भी होता है। दूसरा रीजन, बकरी को जब बकरी आपकी प्रेग्नेंट होती है उस टाइम उसे अच्छा दाना, अच्छा खाना, भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स न मिलने के कारण जो है कि कुपोषित बच्चा पैदा होता है। देखिए, बकरियां देख रही है कि ये बच्चा कहाँ से आ गया, तो अब चले वहां पर कुपोषित हो गया, तो हमने अपने अन्य वीडियो में बहुत सारा ट्रीटमेंट इलाज बताया हुआ है, कौन सा बिमराल कैसे पिलाना है और कितना कैल्शियम पिलाना है और क्या क्या पिलाना है, सारी चीज़ों को हमने बताया है, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 दवाएं बताऊंगा, बकरी का बच्चा कुपोषित पैदा हो गया है या कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो 2 दवाएं मैं बताऊंगा आपको, और दोनों का जो है कि आप सुबह और शाम इस्तेमाल करेंगे, मात्र 10 से 15 दिन आपके बकरी के बच्चे का जो कुपोषण है वो ठीक हो जाएगा, बकरी का बच्चा रिष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो पहला दवा है देखिए, और मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में अंडा, और ये देखिए मैंने रखा हुआ है नमक, नमक हमने साधारण आयोडाइज नमक रखा है, नमक रखा हुआ है। अगर आपके पास घर में खाने वाला नमक ना हो तो काला नमक हो, सेंधा नमक हो, कुछ लोग घर में आयोडाइज नमक ना ही इस्तेमाल करके वो जो है कि सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई भी एक नमक चाहिए और स्वाद अनुसार डालना है, और ये अंडे को तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको बकरी के बच्चे को 2 ml पिलाना है। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे कि बकरी के बच्चे को अंडा देना कब से शुरू करें। देखिए, बकरी के बच्चे को जब ये 15 दिन का हो जाता है ना, 15-16 दिन का हो जाए, उसके बाद से आप इसे 2 ml हर रोज जो है कि एक टाइम आप पिलाएं और बकरी के बच्चे को कुपोषित होने से बचाएं। और दूसरी दवा क्या है, दूसरी दवा जैसे कि एक आता है होम्योपैथिक में नक्ष भूमिका 200 पोटेंसी का आता है, वो अभी मेरे पास नहीं है, तो 200 पोटेंसी का आता है, आपको जो है कि वो 200 पोटेंसी का ले लेना है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम बकरी के बच्चे को पिलाएं, बकरी के बच्चे को कुपोषित नहीं होगा। और दूसरा एक चीज और है, 15 से 16 दिन का जब बच्चा हो जाए तो उसका डिवार्मिंग कर दें, डिवार्मिंग करने के बाद बकरी के बच्चे को 24 से 36 घंटे के बाद से लीवर टॉनिक पिलाएं, तो इस तरीका जो है कि आप अपने बकरी के बच्चे को कुपोषित होने से बचा सकते हैं, और अगर बकरी का बच्चा कुपोषित पैदा हुआ है तो भी उसे ठीक कर सकते हैं। तो साथ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था और बकरी के बच्चे को कुपोषण से बाहर कैसे निकालना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।